यहाँ के लोगों को क्रश किया गया, यहाँ के लोगों के लिए जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हुआ, और ये इलाका बिल्कुल एक तरीके से कई सरकार पश्चिम बंगाल में जो आई इस क्षेत्र का उपयोग किया पर इस क्षेत्र के डेवलपमेंट पर रुचि नहीं दिखाई, इसलिए वहाँ के जो आदिवासी हैं, चाहे वो कई आदिवासी हैं, उन सारे आदिवासियों की स्थिति बहुत ख़राब है, वहाँ के स्थानीय लोगों की स्थिति बहुत ख़राब है, वहाँ वो इलाका में रहने वाले लोगों की बहुत स्थिति ख़राब है, और डेवलपमेंट के मामले में जो उस क्षेत्र में हुआ है बाकी क्षेत्र में इस क्षेत्र को उपेक्षित किया गया। अब हम ये लोगों से कह रहे हैं कि सामान्य तरीके से समरूपता के साथ सभी क्षेत्रों में समानुपातिक ढंग से विकास के कार्यक्रम पहुँचे, क्योंकि बीजेपी रीजनल तरीके से स्थानीय लोगों के बारे में जहाँ सोचती है, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर पूरा भारत भारतीय समाज के नाते कैसे आगे बढ़ना चाहिए उसका तालमेल बैठा करके काम करना चाहती है और करती है। 200 प्लस का जो नारा है उस पर क्या कहना चाहेंगे? 200 प्लस जो सीटों की बात है और खासतौर से जिन इलाकों में आप जा रहे हैं वहाँ पर क्या लगता है? मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को 200 से अधिक सीटें आएगी। असम में भी आपका काफ़ी प्रभाव रहा है, तो क्या वहाँ भी चुनाव होने हैं, उस पर भी कुछ ध्यान देंगे? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रव्यापी पार्टी है और एक कार्यकर्ता होने के नाते वो राष्ट्रव्यापी कार्यकर्ता है, जहाँ पार्टी का कार्यक्रम कहाँ, जहाँ पार्टी की ज़रूरत, जहाँ पार्टी का चुनाव, सारे जगहों में जाना है। तो हमने बात की अतुल मुंडा जी से और एक मंजे हुए राजनेता के साथ।